तो दोस्तों ब्रे वाइट ने ब्रॉन स्ट्रोमन को चैलेंज कर दिया है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए और अब इन दोनों का मैच होगा मनी इन द बैंक 2020 के पेपरव्यू में। और दोस्तों इसलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि द फिंड ब्रे वाइट और यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमन के मैच में किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन ने रेसलमेनिया 36 में वो कर दिखाया जो द फिंड सुपर शोडाउन 2020 में नहीं कर पाए थे। ब्रॉन स्ट्रोमन ने 4 रनिंग पावर स्लैम देकर बिल गोल्डबर्ग को हरा दिया और वो उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के करियर में पहली बार यूनिवर्सल चैंपियन भी बन गए। इसलिए दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। और दोस्तों आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जब स्ट्रोमन ने शिंसुके नाकामुरा को हरा दिया तब ब्रे वाइट ने आकर स्ट्रोमन से कहा कि उन्हें इस दुनिया में वो लेकर आए हैं और अभी स्ट्रोमन के पास कुछ ऐसा है जो कि असल में ब्रे वाइट का है। और दोस्तों यहाँ ब्रे वाइट यूनिवर्सल चैंपियनशिप की बात कर रहे थे और इसलिए ब्रे ने ब्रॉन स्ट्रोमन को चैलेंज कर दिया यूनिवर्सल टाइटल के मैच के लिए और स्ट्रोमन ने ब्रे वाइट की नकल उतार कर उनका यूनिवर्सल टाइटल का मैच का चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया है। और दोस्तों क्योंकि WWE का अगला पेपरव्यू मनी इन द बैंक है इसलिए इस पेपरव्यू में ब्रॉन स्ट्रोमन फेस करेंगे द फिंड ब्रे वाइट को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में। और दोस्तों आपको याद ही होगा कि ब्रॉन स्ट्रोमन का WWE करियर शुरू हुआ है व्हाइट फैमिली के साथ जिसके लीडर ब्रे वाइट थे और अभी पिछले साल द फिंड ने ब्रॉन स्ट्रोमन पर अटैक भी किया था जिसका बदला अभी तक स्ट्रोमन ने नहीं लिया है। इसलिए इन दोनों का मैच बहुत सारे एक्शन से भरपूर होने वाला है क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ेगी आने वाले हफ्तों में। पर दोस्तों अगर बात की जाए कि इस मैच में इन दोनों में से किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि द फिंड ब्रे वाइट अभी हाल में ही बिल गोल्डबर्ग से हारे थे इसलिए WWE फिर से उन्हें इतनी जल्दी नहीं हरवाएंगे वरना उनका डोमिनेटिंग कैरेक्टर बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों इस मैच के लिए मेरी प्रिडिक्शन है कि या तो इस मैच में मनी इन द बैंक 2020 के विनर इंटरफेयर करके ब्रॉन स्ट्रोमन का पिन करवा लेंगे या फिर इस मैच में द फिंड ब्रे वाइट जीतकर फिर से यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे। वैसे दोस्तों अब आप भी कमेंट्स बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीतेगा द फिंड ब्रे वाइट या फिर मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमन। दोस्तों मनी इन द बैंक पेपरव्यू में हर साल की तरह इस साल भी 8 मैन लैडर्स मैच होगा मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के लिए और इस मैच में रोमन रेक्स रिटर्न आकर फैंस को शॉक कर सकते हैं और तब वो उनके करियर में पहली बार मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट भी जीत जाएंगे। वैसे दोस्तों क्या आप चाहते हो कि इस साल का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट रोमन रेक्स जीते या नहीं कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए WWE ने अनाउंस कर दिया है कि द मिज फेस करेंगे बिग ई और जे उसो को ट्रिपल थ्रेट मैच में और ये मैच स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या द मिज उनका और जॉन मॉरिसन का टैग टीम टाइटल बचा पाते हैं या नहीं। और दोस्तों मनी इन द बैंक पेपरव्यू इंडिया में सोमवार 11 मई की सुबह 4:30 बजे से Sony 10/1 और Sony 10/3 पर देगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।